हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मालपुआ बनाने, जिसमें मैंने एक कटोरी के लगभग लिए हैं मैदे। इसको मैं इसमें डालूँगी, कटोरी से है। मैंने दूध लिए हैं, एक ग्लास दूध है, इसे इसमें मैं ऐड करूँगी। इलायची है, दो तीन इलायची को मैंने कूट लिए हैं, इसके दाने ही डाले। चीनी है, चीनी मैं ऐड करूँगी। तो चलिए इसे मैं डाल रही हूँ। दूध है, सबसे पहले मैं दूध एक गिलास डाल दूँगी, उसके बाद में आधे गिलास के लगभग मैं इसमें का पानी ऐड करूँगी। इस तरह से धीरे धीरे मिलाते जाए। इसे एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए डालें, उसके बाद में मैं चीनी भी बाद में ऐड करें। तो इस तरह से डो होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी इसे जाते रहे। इसमें चीनी मैंने लिए है इतना मीठा मालपुआ, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है, इसलिए मैदे से मैंने थोड़ा सा ही कम लिया है चीनी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर ली है। इसे भी अच्छे से इस तरह से मिला ले, जैसे पूरे इसे कम से कम 2 से 4 मिनट तक आप इस तरह से मिलाते रहें। देख सकते हैं इसी तरह से मिलाना है। इसे मिला करके इसको एक घंटे के लिए आप रेस्ट पे डाल दें। इलायची का जो मैंने बुरादा लिया है, मैं इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे अब रेस्ट पे डालने जा रही हूँ। ढककर डाल दें। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अच्छे से फूल चुके हैं। मैंने 1 से 2 से 3 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए डाल दिया था। इसमें इलायची भी मैंने दाने डाल दिए हैं। अब ये परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। इसे इतना ही ये होना चाहिए। तो चलिए अब इसे हम लोग छानते हैं। मालपुआ नवरात्रि स्पेशल डिश है, जो आप लोग नवरात्रि में कन्या पूजन में भी इसे कन्याओं को खिला सकते हैं। बहुत ही बच्चों को ये मीठा होता है, इस कारण मीठे बच्चों को अधिक पसंद है, इसलिए आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मैंने इधर, आप देख सकते हैं, इधर मैंने रिफाइंड डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। इसे पहले आप तेज़ फ्लेम पे गर्म कर लें, फिर हल्का ठंडा होने पे आप कुछ बूंदे डाल करके इसका, आप देख सकते हैं अभी ये गर्म नहीं है, पूरी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं, आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए ये ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं रिफाइंड। अब आप चाहें तो इसे घी में भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है। इसे इसी तरह से आप भी छोटा छोटा साइज में, ना अधिक बड़ा रखें, मीडियम साइज़ का रखें। जब भी हल्के से उठने लगेंगे तब मैं दूसरा डालूँगी। इसी तरह से धीमा फ्लेम रखें इस समय। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी उलट पलट करके आप इसी तरह से बनाएं। तरह से एक बार में अधिक ना डालें, एक जब फूल जाए तभी उसे पलटे। इस तरह से मैंने, देख सकते हैं, इसको किनारे कर ले, फिर से इसमें इस तरह से डाल दे। फ्लेम को इस वक्त तेज़ रखें, फिर धीमा कर ले। आप देख सकते हैं कैसे ये गेंद की तरह फूल गए हुए हैं। इसी तरह से आप बनाएंगे मेरी ट्रिक से, तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब और बहुत ही स्पंजी बनेंगे मालपुए। और इनकी चाशनी में भी मालपुए बनाए जाते हैं, चाशनी वाले भी मैं मालपुए आप लोगों को बताऊंगी। इसी तरह से आप भी इसे पलट लें। इस तरह से देख सकते हैं, और इसको गोल्डन होने तक आप इसे अच्छे से काट, इस तरह से आप भी दाब करके इसे इस तरह से दाब लें। इसकी सारी तेल रिफाइन निकल जाएगी और इसे आप एक में गर्मा गर्म सर्व करें। तो चलिए मैं सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं मैंने सारे मालपुए को इसी तरह से छान लिया है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबका।